आ गए फिर से बाबा जी के चैनल पे। अच्छा है, अरे बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, मेरा नाम है बाबा जी, मैं हूँ एक मोटिवेशन स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, कॉमेडियन एंड आल्सो गेमर। आपको तो पता ही है गाइस, मीत पेट ने हाल ही में मिस्टर बिस्ट का जो नया वीडियो आया है वहां पे वॉइस ओवर दिया है अपना। सो हम लोग उसका आज रिएक्शन करेंगे। हम लोग का फेवरेट यूट्यूबर मिस्टर बिस्ट का वीडियो में वॉइस ओवर दिया है, अरे हमको भी करना है। अरे मिस्टर बिस्ट, हमको भी ले लो यार अपना वीडियो में, हम भी वॉइस ओवर कर देंगे। ए, चुप करे मैनेजर, बातों में बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को बराबर स्टार्ट करते हैं। I survived 7 days in an abandoned city. Oh my God, theme बहुत बढ़िया है गुरु। So boss, आप लोग अगर नहीं जानते मिडपेट का voice कैसे मिलेगा, मिडपेट का मतलब, तो पहले तो setting में चले जाओ, फिर वहाँ पे audio track में चले जाओ। audio track में यहाँ पे जो है जुलू, अरे जुलू जुलू, यही तो है आप लोगों का मिडपेट मामू। चलो हम लोग वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं, और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर। अब हम अगले 7 दिन अकेले ही होंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए। इस अनोखे शहर पर एक वक्त पर वॉर की वजह से बॉम्ब डालकर छोड़ा गया था, मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं अगले 7 दिन के लिए। जो हम लोग मिस्टर बिस्ट का वीडियो का एडिटिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल होता है। ऊपर से हम लोगों का फेवरेट यूट्यूबर मीत पेट का वॉइस ओवर सुनने मिल रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को। अरे बाबा, बाकी चीजें देखते रहे। बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है कि इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में हूँ। ये कमाल है। ओ, जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं, और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था वो सप्लाई क्रेट को खोलना जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा, और ताकि सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे बस फेंकने वाले हैं। चैंडलर, हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग से बारिश हो रही है। बॉस, मिस्टर बिस्ट जो है ना बहुत ही एडवेंचरियस बंदा है ये भाई। जीवन में इतना एडवेंचरियस कर लिए ना। अरे बाबा, अपुन को भी मन होने लग गया रे। अरे मम्मी, अरे हमरा सामान निकलो, हमको भी जल्दी से जाना है उधर। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। हे चैंडलर, इसे गिरने मत देना। पर मजाक से हटके अभी एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तो चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें एक गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, वहाँ कोने में। बॉस, ये लोग लिटरली इस गद्दे पे सोने वाला है। अरे बाबा, ये तो हम भी कर सकता हूँ, समझ गए ना। अरे हमको भी गिंद भी नहीं लगता, पर कॉकरोच से डर लगता है। इस जगह एडवेंचरस पे अगर जंगल में गया, कॉकरोच से डर लगता है हमको। अरे माला, क्या करे, इसलिए तो हम खतरों का खिलाड़ी पे मतलब नहीं जाता हूँ। तुम्हारा है। थैंक्स। उसे टाप से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कई ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। आह, मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ तो अजीब सा हुआ था। जब हम सब लोग सो रहे थे, तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैम के बहुत करीब से। अरे बाबा, भूत तो नहीं आ गया? हमको डर लगता है, अगर जिंदगी में कोई भूत हमको पकड़ लिया, साले लड़की होना चाहिए। मैं बोल दिया लड़की होना चाहिए, लड़का भूत नहीं पकड़ना। जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी अभी कांच टूटने की आवाज आई, मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावने आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी?
बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे बाबा, ये लोग तो ब्रेकफास्ट में चिल्ली खा रहा है। अरे बाबा जॉन, देखो एक बात बोलता है, जॉब ये लोग ठीक होने जाएगा, ठप समझ में आएगा। आप लोग वेट करेंगे उसका भी। मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है, या एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली है। नीचे एक बिल्ली है। उनको उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। देखो देखो वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे। वाह, देखो भाई, मिस्टर बिस्ट का तो वीडियो जो होता है ना, उसका एडिटिंग वीडियो बहुत ही मस्त होता है। और ऊपर से मिस्टर का साउंड माला भाई, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस मिस्टर जी। अरे अरे, आप लोग भाई मिस्टर बिस्ट को बोला हमको भी लेने के लिए। अरे 800 समथिंग सब्सक्राइबर है हमारा। अरे कैसे लेगा वो आदमी। अरे हमको भी करना है बहुत बार। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ये क्या है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बहुत ही बदसूरत है, ये तो इसमें तो कुछ है जिसमें से बदसूरत दिखाई दे रहा है। अरे माला कंफ्यूजिंग, अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था, और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। एक स्पोर्ट्स कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? ओह बेकार शॉट था। आई एम श्योर इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी, पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास अभी दो ऑप्शन है। इस बढ़िया से टनल से जाकर हम पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी सिर्फ एक ही घंटा बाकी है तो यही पे तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिली गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगाया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं, ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब मां ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि ये जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान को पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। अरे बाबा मामूलो, आप लोग को भी अगर मौका मिले ऐसा एडवेंचरियस चीजें करने का तो करोगे कि नहीं? नीचे कमेंट जरूर से करना मामूलो। अरे हम तो अभी भी रेडी हूँ, बुला लो, हम डायरेक्ट दौड़े चले जाएंगे, समझ गए ना? बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो, हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस ढूंढने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सभी सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। अरे बॉस, हम भी फील कर पा रहा हूँ। अरे बाबा, 5G का जमाना है, डाटा यू ट्रांसफर होता है। चैंडलर क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था, और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर, ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी है। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल है। वाओ, ये बीच तो बढ़िया है। बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच है। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओ, सही कहा। जेमे, याद है पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे? सोच रहा हूँ कि वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आई थी। और उस पल हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन ने इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं, छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की। आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत सालों पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं,
हमने खुद को ये कहां फंसा दिया? हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं, क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है, ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। क्या? देखो ये हॉलवे कितना लंबा है, और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पे अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को बचाए। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओ, वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करते हैं। मुझे वो बिग बर्था दो। थैंक यू। बिग बर्था, देख रहे हो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। oh! आप देख रही है? अरे आप बिस्पनिया, आप बिस्पनिया, अरे ये टॉर्च लाइट किधर से मिल गया? अरे हमको भी चाहिए ये टॉर्च लाइट। अरे बाबा ये टॉर्च लाइट भाई सब बहुत ही खतरनाक है। अंग्रेजों के जमाने में ये टॉर्च लाइट चला करते थे, पर अभी तक दिखाई नहीं दिया ये टॉर्च लाइट। अरे किधर मिलता है रे टॉर्च लाइट, हमको भाई चाहिए दंगा। भाई इससे तो समुन्द्र की मछलियाँ भी डर जाएंगी। ओ ये तो हम लोग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा क्यों ऑर्डर नहीं किया हूँ हम। अरे बच गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में एक चीज अच्छी कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला, और इस सब में बुरी बात ये है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है, रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना। हाँ 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम लोग कैंप में वापस चले गए। ऐसी जगहों पे अक्सर ऐसा ही होता है, अगर कोई भी सिंगल चला गया ना भाई उसका लाश ही लौटेगा। अरे इसलिए तो दोस्तों के साथ सब लोग जाते हैं। हम कैंप में वापस आ गए। yes! मैं आग जलाता हूँ, मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है, और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलते हैं और ज्यादा खाना तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के 4th दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी की बैग में पानी ही नहीं। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो, वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, वो अकेले उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जेमी, देखो मुझे साइकिल मिली। ये बहुत अच्छी बाइक दिख रही है, ये तुम्हें कहाँ पर मिली? वहाँ पर, ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। गाइस देखो एक मेन बात क्या है पता है, विदेशियों लोग में ना एक आदत होता है, कोई भी सामान अगर थोड़ा सा पुराना हो जाए वो लोग फेंक देंगे। अरे हम लोग का यहाँ पे सड़क पे एक खाली बोतल है, अगर कोई फेंक दे तो उसको भी लेके चला जाता है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग लगभग 100 पाउंड का है, और मेरा दोस्त मार्क जो एक साइंस यूट्यूबर है, इसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। लेकिन रस्सी टूट गई, हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हो वो असली है, मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो जल्दी करो, हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मार्क फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज उसे उठा कर नीचे लाना। और अब जो हमारा आधा पानी एक्चुअल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा, तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया। और अब शायद मार्क और मैं इतने रिसोर्सेज में 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूं, तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है, मैं सच कह रहा हूं। तुम भी ना। पर उनके अरे मांग लोग, ये तो गड़बड़ कर दिया बॉस, समझिए ना। एक ने भाई ऐसा साइंस यूज किया, अरे गिर के टूट गए, पानी का बोतल बह गए। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ मिस्टर बीस्ट और उनका दोस्त ही बचेंगे, दोनों जन सर्वाइव करेंगे D7 तक। अब मजा आ रहा है बॉस, हमको भी जाना है। जाने से पहले हम पूरे गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया। ओह माय गॉड, मेरे बाल। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपने पहले कभी फेस्टिवल्स खाए हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं,
तो आपने कभी फेस्टिवल्स खाए ही नहीं है। हमारे नए फॉर्मूला का टेस्ट बहुत ही बेहतर है। सच में अभी वॉलमार्ट जाओ और उन्हें ट्राई करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे लगे। ये सच में पुराने फॉर्मूला से बहुत बेहतर हैं। पर सिर्फ मेरे कहने पर मत मानो, मैंने बस नासा में काम किया है तो अच्छा डायलॉग मारा। मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोट पर जा सकता हूँ? तो हमने बोट को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया जो बहुत ही कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा है, वो लिटरली पूरे सिटी पर रोशनी डाल रहा है। पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना यह हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टॉप को लगाकर हमारे रूम को विंडप्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायरप्लेस लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं एंड कुछ चेयर्स और टेबल्स से इस जगह को घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने ऐसे भी कुछ आइडियाज प्लान किए हैं जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा फर्नीचर ढूंढा जा सके, और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो मुझे एक नकली टीवी मिला, अब ऐसा दिखा सकते कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ वो सच में कमाल का है, जैसे एक आरजेस वाला कोर्टयार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक फायरप्लेस बना सकते हैं। वाओ ये एक असली वॉलपेपर है, हमारे पास वॉलपेपर है, इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं जिमी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हनी हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली, अब हम सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है, हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर के कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए जिससे हमें बहुत प्यास लग गई। इस बैग वाले पानी का टेस्ट बहुत बेकार है, इसीलिए हम सब सर्कल वाटर बॉटल्स लाए हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर कार्ट्रिज डाल सकते हैं जिससे पानी बहुत बढ़िया लगता है। मैं पहली बार सर्कल वाटर बॉटल से पी रहा हूं। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ रोमांचक करना हो तो लेवल 9 फ्लेवर भी ले सकते हो, और अगर आप डरपोक हो तो लेवल 1 भी ले सकते हो। मैं लूंगा 6। वो मैं भी। लेवल 1 और लेवल 9 में फर्क क्या है? एक बार तो ट्राई करना होंगे। रुक जाओ, यूट्यूब से पहला पेमेंट आने दो, फिर सब कुछ ट्राई कर लेंगे हम लोग। यार ले सकता हूँ। इसका टेस्ट कमाल है। तुम कौन सा फ्लेवर पी रहे हो? एक रॉकिंग फ्रूट पंच, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और अभी हमें किसकी जरूरत है जिमी? एनर्जी, सही कहा। अच्छा हुआ सर्कल साथ में है, और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं तो अब ये रेनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा, आई प्रॉमिस। ये है हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो ये धूल दिख रही है, ओह माय गॉड ये कितना सैटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है तो हम इसमें खाना रख सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है, और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं। ये है नॉन चिली रो, ये है चिली रो, और ये हमारा फिशेबल्स रो ठीक यहाँ। भाई साहब सबसे ज्यादा चिली कौन खाता है क्या आपको पता है? एक बार चाइना का डिश देखना। अरे एक भाई एक किलो में भाई साहब 3-4 किलो चिल्ली डाल देते हैं बे, पूरा जो ग्रेवी होता है ना चिल्ली से भरा हुआ रहता है चाइना वाले का, झूठ नहीं है, देख लो एक बार। अब हमारे पास एक टेबल है सर्कल बॉटल्स रखने के लिए। माँ के पास 22 औंस बॉटल, ये एक 32 औंस बॉटल, और उनके पास एक मेटल डबल इंसुलेटेड बॉटल भी है जो आपको मिल सकती है फ्री अगर आप 10 फ्लेवर कार्ट्रिजेस खरीदते हो तो। क्या डील है? नहीं ये डील नहीं, ये फ्री है। ओके इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था जिससे हमारे फायरप्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। प्रभु ए प्रभु आप कहाँ थे? अरे ये तो सिखा दिया रे। अरे जुगर में इंडिया भाई, बहुत भाई उससे भी बेटर है जुगर में इंडिया। इंडिया ना जाने क्या से क्या बना देता है, तो आई प्राउड ऑफ माय इंडिया बॉस। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद ठीक है, जरा देखो तो हमारे पास अब आग है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। Anyway, अभी drinkcircle.com/mrbeast पे जाओ या इसके शक्ल पे लगा QR कोड स्कैन करो अगर आपको अभी सर्कल ऑर्डर करना है तो। ये है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है और है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है। ये है मार्क का आईपैड इस टीवी फ्रेम में। यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायरप्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स, और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे हमारी 5वें दिन की रात अच्छी जा रही थी हमने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है। वाह वो आ तो नहीं गया।
अरे वो वाला बंदा आ गया फिर से। अरे हमको तो लगता है ये साला इवेल लान है बे, जो मिस्टर बिस्ट को डराने के लिए आया है। तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा इवेल लान, कोने में बिरयानी बना कर तेल दूंगा, देख लियो। ए, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? Bro, oh my God. मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी? ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है पर किसी को शक नहीं हो रहा। अरे वाओलो, अरे बाबा, ये तो मिस्टर बीस्ट का दोस्त है। अरे नादने, हम लोग क्या क्या समझ लिए थे, अभी सीबीआई को फोन करते, वो लोग जाने ही वाला था वहाँ पे। अरे डर गए। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा, हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीस टेबल्स प्लीज, ये तुम ले लो। अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला, ये सच में कमाल है। सच बताओ तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था, क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक दिन बचा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ पे जो भी किया है वो सच में कमाल है, और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। जिमी, क्या वो एक कायक है? मुझे बताया कि इसके साथ क्या करना चाहिए। अरे बाबा, ये लोग तो खतरनाक मस्ती करता है रे। अरे यार, हमको भी करना है, कोई ले जाओ। कोई भी इस पूल में कायाकिंग कर सकता है। मार्क और मैंने सच्ची में बहुत मजे किए, बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला, यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है से। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पे इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज के आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी। और बाय द वे, मार्क का यूट्यूब चैनल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसे भी पक्का चेक करना। सो बॉस, मुझे बहुत ही पसंद आया वीडियो को देख के। मिथपट का डबिंग जो किया है मिस्टर बीस्ट वाला पे, बाय इंटरेस्टिंग। सो बॉस, आपको वीडियो पसंद आया तो बाबा जी को भी सब्सक्राइब कर लो यार। बाबा जी जो है ना, आप लोग का एंटरटेनमेंट करता रहेगा अपना कमेंट्री से। सो पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर देना। तो बाय बाय गाइस।